सभी भाइयों को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपाटे दंड के बारे में, क्योंकि भाइयों सपाटे दंड को लेकर बहुत से युवाओं के मन में एक शक सा बना रहता है कि कहीं सपाटे दंड को लगाने से हमारे घुटने ना खराब हो जाए और उसमें से कट कट की आवाज़ ना आने लग जाए। तो भाइयों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, सपाटे दंड जो है वह आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और बहुत से युवा इनको लगाने का अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक शक भी बना रहता है कि कहीं इसको लगाने से हमारे घुटने ना खराब हो जाए और उसमें से कट कट की आवाज़ ना आने लग जाए। तो भाइयों, मैंने बहुत सी वीडियो भी देखी है, उसमें बताते भी है कि भाई ज़्यादा सपाटे लगाओगे तो तुम्हारे घुटने ख़राब हो जाएंगे और कट कट की भी आवाज़ आएगी। तो भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि सपाटे दंड है तो एक बढ़िया अच्छा व्यायाम पूरे शरीर को शेप में लाने के लिए, हमारी बॉडी में कटिंग निकालने के लिए और अपना फैट लॉस करने के लिए, स्टैमिना बनाने के लिए। लेकिन भाइयों, इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है? देखो भाइयों, अगर जो आप अपने शरीर से, मतलब सपाटे में क्या होता है, आपका एक पूर्ण व्यायाम होता है, पूरे शरीर का व्यायाम होता है। और जो अगर आप अपने शरीर को बढ़िया, मतलब मेहनत करने के बाद अच्छी खुराक नहीं दोगे, अच्छी डाइट नहीं दोगे, तो भाइयों आपके शरीर में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आएगी। क्योंकि भाइयों सपाटे दंड जब आप लगाते हैं तो आपके शरीर का तेल निचुड़ जाता है, मतलब पसीना इतना अधिक आता है कि आपकी हड्डियाँ, मतलब रगड़ा खाती है आपस में, हड्डियों को रगड़ते हैं जब जाकर हमारा यह व्यायाम होता है। और अगर आप व्यायाम करने के बाद घर जाकर अपने, मतलब अच्छी खुराक नहीं लेंगे, घी दूध और इससे रिलेटेड मतलब अच्छी देसी खुराक नहीं लेंगे, तो भाइयों आपके शरीर में कमी भी आ सकती है। क्योंकि कई भाई कहते भी है कि भाई ज़्यादा सपाटे लगाओगे तो आपके मतलब पैरों में दिक्कत आ सकती है, हड्डियाँ कट कट करने लगेंगी, हड्डियों में से जॉइंट जो है इनमें से आवाज़ आने लग जाएगी। उसका भाइयों यही एक मुख्य कारण है, क्योंकि बहुत से भाई व्यायाम करते हैं लेकिन वह अच्छे से अपनी खुराक नहीं लेते, मतलब घी दूध वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाते। ये भाइयों सप्लीमेंट वाला काम नहीं है, सपाटे में सप्लीमेंट वगैरह काम नहीं आएंगे इसमें भाइयों, क्योंकि हड्डियाँ रगड़नी पड़ती है जब आप सपाटे लगाते हैं, तो उसमें हड्डियों का घर्षण होता है और पूरे शरीर का वर्कआउट होता है, मसल टूटती है। इसके लिए भाइयों आपको अच्छी डाइट चाहिए होती है, घी दूध और घर का देसी खाना, चूरमा दलिया ये सब चीज़ें भाइयों आपको चाहिए होती है। मतलब आपको अपने शरीर के अंदर अधिक से अधिक चिकनाई वाली चीज़ें डालनी होती है, जब जाकर आपको एक इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप ऐसे ही सूखे सपाटे लगाते रहेंगे, ऐसे ही सूखी हड्डियों को रगड़ते रहेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा भाइयों। और सपाटे तो भाइयों देसी खुराक से ही लगाए जा सकते हैं, सप्लीमेंट वगैरह से नहीं। यह तो बहुत से भाई सोचते हैं भाई हम सप्लीमेंट वगैरह खा लेंगे, यह भी एक डाइट है। नहीं भाइयों, तो आप ऐसा करिए, सपाटे लगाइए, यह एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। लेकिन भाइयों अगर जो आपके पास एक अच्छी डाइट है तो अधिक से अधिक सपाटे लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि कई भाइयों के घर में घी दूध अधिक है और कई भाइयों के घर में बिल्कुल भी घी दूध नहीं है। तो भाइयों मेरी तो उनको यही सलाह है, जिनके घर में घी दूध नहीं है वह कम से कम सपाटे लगाने का अभ्यास करे, थोड़े बहुत ही सपाटे लगाए, 100, 150, 200, ज़्यादा लगाने का अभ्यास ना करे, नहीं तो भाइयों आपके पैरों में और घुटनों में कमी आ सकती है। चाहे आप अजमा कर भी देख सकते हैं इससे भाइयों, अगर जो आप मतलब बिना खुराक के सपाटे लगाने का अभ्यास करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, ज़्यादा ज़्यादा लगाओगे, तो आपके घुटनों में एक टाइम पर कट कट की आवाज़ आने लग जाएगी। यह भाइयों एक अजमाया हुआ मतलब नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो भाइयों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।